अप्रैल और मई, जी हाँ, देश के लिए चुनाव चल रहे हैं, लेकिन उन छात्रों के लिए जिन्होंने अभी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं दी हैं, उनको इस महीने का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि यही वो महीने हैं जिसमें कि इन परीक्षाओं के परिणाम आते हैं और आगे बच्चे अपने करियर में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, 19 अप्रैल यानी कि शुक्रवार सुबह 9:30 बजे तमिलनाडु बोर्ड के रिजल्ट आएंगे, यानी कि 12वीं क्लास के बच्चों के रिजल्ट्स आने वाले हैं। 10वीं के अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद मई में आएंगे, लेकिन कल वो दिन है जो कि 12वीं के बच्चों के परिणाम जारी करेगा और देखना यही होगा कि कितने तरीके से, मतलब कितनी परसेंटेज से बच्चे इस परिणाम में अपने नंबर्स लेंगे या फिर कितने बच्चे पास होंगे। तो अगर पिछले रिकॉर्ड्स की बात करें तो 91.1% स्टूडेंट्स जो थे तमिलनाडु में वो पास हुए थे पिछले साल 12वीं की परीक्षा में, लेकिन इस साल अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद पास परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा बढ़े। और अगर 91.1% को अगर हम थोड़ा सा और इलैबोरेट करें तो उनमें से 94.1% लड़के थे और 87.4% लड़कियां थी। तो अब देखना यही होगा कि कल क्या होगा जब तमिलनाडु बोर्ड का यानी कि 12वीं क्लास के बच्चों का रिजल्ट आएगा और कितने बच्चे उसमें पास करेंगे। तो तमिलनाडु 12वीं क्लास के कक्षा के रिजल्ट्स के लिए, इनकी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए इन खबर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के जरिए अपनी बात बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।